चला, तो उसमें हमने आज ही माया कॉन्टेस्ट चलाया था जिसमें हमने बीकानेर की फीमेल जो हमारी है उनसे उनके बीच कॉन्टेस्ट था कि अगर आप अपना अपनी जो एजुकेशन है फार्मेसी मास कम्युनिकेशन किया है और उसके बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट के, जैसे कि हर आज मीडिया वाला स्टार्ट करता है, और उसके बाद इन्होंने 2 साल तक हरियाणा में रेडियो तरंग 104 के साथ काम किया है। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं ये। ऐसे मैसेज मंगवाए थे कि आपको क्यों लगता है कि आप आरजे माया बन सकते हैं। आरजे माया जो बीकानेर की और बिग एफएम की नई आवाज़ है। बाला पाउन कम्युनिकेशंस है, मैं उनके साथ काम किया है। इसके अलावा एबीसी प्रोडक्शन हाउस है, उसके साथ काम किया है। एक डिस्कवरी के लिए मैंने कुछ एक वॉइस ओवर्स दिए हैं, डिस्कवरी जो है दिल्ली में जो ऑफिस है डिस्कवरी के लिए, उसके लिए दिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे वॉइसिंग यहाँ पर किए। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम बीकानेर, आई एम फ्रॉम पंजाब, उत्तर प्रभा। कंटेंट क्या होता है इसमें? बेसिकली इट्स अ मॉर्निंग शो, इट्स अबाउट अ हैप्पी मॉर्निंग, हाउ टू स्टार्ट द डे, किस तरह से हमें अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अरे सेट के पहले की जो 3-4 घंटे होते हैं, अगर आपके वो दिन के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होंगे शो विद अ हैप्पी स्टार्ट, दैट्स व्हाई इट इज लव द मॉर्निंग। इनकी वॉइस में था कि अगर आपको मेरी आवाज़ या मेरा अंदाज अगर आपको पसंद है तो आप हमें वोट करें। लोगों की वोटिंग प्लस हमारे बिग एफएम के पैनल के आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ। सारी चीज़ें देख रहे हैं।